Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. आज का जो वचन परमेश्वर ने दिया है पाप करने के बाद हम पश्चाताप क्यों नहीं करते, पाप करने के बाद हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि हमें परमेश्वर माफ कर सकता है। हालेलुया। क्यों हमारे अंदर कठोरता आ जाती है पाप करने के बाद? आपके अंदर एक भय आता है कि आपने पाप किया है, ठीक है, लेकिन उस भय के अंदर पश्चाताप भी आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप गिरते हैं तो आपको उसी समय उठना चाहिए। परमेश्वर चाहता है आप, कोई बात नहीं, हम इंसान हैं, मनुष्य हैं। आपका छोटा बच्चा होगा, आपका गिरेगा, आप ये नहीं सोचेंगे नहीं तो आप कभी नहीं उठ सकता, तू कभी नहीं चलेगा, नहीं तू चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो पाप करने के बाद आप भयभीत हो जाते हैं और कठोर हो जाते हैं। जब आप भयभीत हो जाते हैं तो आप कठोर हो जाते हैं कि नहीं, और शैतान आपको कठोर कर देता है कि नहीं, अब आप प्रभु के काबिल नहीं रहे, अब आप परमेश्वर के काबिल नहीं रहे, अब आप परमेश्वर से दूर हो गए क्योंकि आपने पाप कर लिया है। फिर शैतान आपको बताता है वचन कि यीशु मसीह आपके लिए मरा, मर के जिंदा हुआ, और आपने फिर पाप किया है, अब आप परमेश्वर से दूर हो गए। लेकिन वचन कहता है, बाइबल कहती है, वो पिता है, हालेलुया, वो चाहता है कि आप फिर उठें, वो चाहता है कि आप पश्चाताप करें, उसी समय निकालें अपने अंदर से पाप को। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपके पैर में एक कांटा चुभ जाएगा तो क्या आप इंतजार करेंगे? आप चाहेंगे उसी समय निकालें, फिर कांटा चुभेगा फिर निकालेंगे, फिर कांटा चुभेगा फिर निकालेंगे। आप ये नहीं कहेंगे यार सुबह से यार दो बार कांटा निकाल दिया, अब नहीं, अब ये लगे रहने दो, नहीं, आप उसी समय कांटा निकालेंगे। आमीन। पश्चाताप क्या है? कांटा निकालना। लेकिन हाँ, पश्चाताप के बाद आपको मजबूत होना है कि आप वो पाप दोबारा ना करें। अगर आप को एक रास्ते पर जहां से जा रहे हैं और वहां पर आपको कांटा लग जाएगा तो दोबारा उस रास्ते बहुत चौकन्ने होकर चलेंगे आप। Am I right? क्योंकि इस रास्ते पर मैं जब गया था तो मुझे कांटा चुभा था, क्योंकि उस समय आपने देखा नहीं, चौकन्ने नहीं हुए और चल रहे थे, कांटा चुभ गया। अब अगर आपको उसी रास्ते से दोबारा जाना है तो आप चौकन्ने हो जाएंगे, नहीं यार यहां कांटा था, आप मुझे ध्यान से चलना ताकि कांटा ना चुभे। आमीन। वही है, इसी चीज को हमें लेकर चलना है। हमें पाप से नफरत करनी है, पाप से घृणा करनी है, पाप हमारे अंदर बिल्कुल ना जाए, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना बलिदान हमें शुद्ध करने के लिए किया है। हमें पापों से मुक्त करने के लिए परमेश्वर ने बहुत बड़ी योजना बनाई है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के विषय में कि पाप के लिए पश्चाताप ना करना एक पाप है। हम पाप करके डर जाते हैं, कह रहे हम उससे पाप हो गया, अरे मैंने अचानक क्या किया, ये पाप हो गया मेरे अंदर से। डरना ठीक है लेकिन पश्चाताप जरूरी है। हम डरते हैं और पश्चाताप नहीं करते। पतरस डरा था जब उसने तीन बार इनकार किया यीशु का, वो डर गया। वो जानता था कि मैंने यीशु मसीह का इनकार करके बहुत गलत किया, वो रोया भी लेकिन पश्चाताप नहीं किया, वो डर गया और उसे लगा कि खत्म, अब सब कुछ खत्म हो गया, ना मैं यीशु मसीह का चेला रहा, ना मेरे यीशु मसीह मेरे गुरु रहे, नहीं कोई नहीं, नहीं खत्म हो गया, संबंध खत्म हो गया। यही शैतान हमारे अंदर डालता है। जब हम पाप करते हैं तो शैतान हमारे अंदर यही विचार लेकर आता है कि नहीं खत्म,
लेकिन परमेश्वर कहता है अभी भी उजाला है, अभी भी रास्ता है। वो कहता है मैं ही मार्ग हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही सत्य हूं। तुझे अगर पिता के पास पहुंचना है मेरा अनुसरण कर, मेरे पीछे चल। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कभी भी पाप करने से, आपने कभी आपने किया, गलती की है, लेकिन पश्चाताप करिए, घुटने पे आइए, नहीं तो आप कठोर हो जाएंगे, आप कठोर हो जाएंगे, फिर आप दूसरों पर इल्जाम लगाएंगे, फिर आप कलीसिया पर इल्जाम लगाएंगे, उसके बाद पास्टर पर इल्जाम लगाएंगे, और अंत में क्या होगा, आप कलीसिया छोड़ के चले जाएंगे, फिर मैं घर में बैठ जाएंगे, कलीसिया में ये है, कलीसिया में वो है, मेरे आसपास वाला ये है, मेरा बहाने करेंगे। क्योंकि आपके अंदर जो पाप है ना, वो आपको कलीसिया आने नहीं देगा। पश्चाताप क्या है कि हमें अपने पाप को निकालना है अपने अंदर से। नहीं, जैसे आप बीमार होते हैं ना, आप गोली खाते हैं, आप कुछ दवाई लेते हैं कि नहीं मुझे ये बीमारी निकालनी है यार, ये रोज की बीमारी मुझे नहीं चाहिए। उसी तरीके से हमें पाप के लिए सजग रहना है, सतर्क रहना है कि नहीं ये पाप मेरे अंदर नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, आप बीमार हैं स्वर्ग जा सकते हैं, आप बीमार हैं स्वर्ग जा सकते हैं, लेकिन आपके अंदर अगर पाप है तो आप स्वर्ग नहीं जा सकते, नहीं जा सकते आप। आप सोचते हैं आप दशांश देते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, चर्च आते हैं, अगर आपके अंदर पाप है तो आप स्वर्ग नहीं जा सकते। ये तो प्रभु भोज लिया है हमने, ये क्या है, एक शुद्धिकरण का तरीका है। रोज पहली सदी के जो चेले थे वो रोज लेते थे प्रभु भोज, रोज शिक्षा लेते थे, कैसे वो दूर रहते थे पाप से। देखिए 2:42 प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम 2:42 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। 42 में लिखा है, और वो प्रेरितों के साथ शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहते थे। उनका यही काम था, रोज रोटी तोड़ना, रोज प्रार्थना करना, रोज शिक्षा पाना, शिक्षा देना और लवलीन रहना प्रार्थना में। ये चीजें हमको पाप नहीं करने देती। हालेलुया। जैसे ही आपके अंदर पाप आएगा ना, आप परमेश्वर की भलाई को नहीं देख पाएंगे। परमेश्वर कैसे आपके जीवन में काम कर रहा है या करना चाहता है आप नहीं देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे आप, अगर आपके अंदर पाप है तो आपको समझ ही नहीं आएगा परमेश्वर की भलाई क्या है। क्यों परमेश्वर ने आपको पापों से मुक्त किया? जैसे ही आप प्रभु में आते हैं, आपके पापों से परमेश्वर उसी समय मुक्त कर देता है। क्यों? ताकि आप उसकी भलाई को देख सकें। अगर आपके अंदर पाप रहेंगे तो आप उसकी भलाई को नहीं देख पाएंगे। पाप आपको कठोर बना देगा, पाप आपकी बुद्धि को बंद कर देगा, आप नहीं देख पाएंगे परमेश्वर की भलाई को। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको कलीसिया में लाना चाहता है, ये क्या है, उसकी भलाई है। क्यों लाना चाहता है? ताकि वो आपको ज्ञान दे सके। आप क्या समझते हैं कि आपने संसार का PhD कर ली, MBA कर लिया, CA कर लिया तो आप ज्ञानी हो गए? नहीं, ये है ज्ञान। अगर आपके पास बाइबल का ज्ञान नहीं है तो आप अधूरे हैं। रोज बाइबल पढ़िए, रोज। अगर आप चाहते हैं कि पाप से मुक्त हो जाए, कोई पाप का विचार आपके अंदर नहीं आए, बाइबल रोज पढ़िए। आप कहेंगे मैं नौकरी करता हूं, सुबह 6 बजे जाता हूं, रात को 11 बजे आता हूं, उससे कोई मतलब नहीं है। आप खाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं? आप सुबह 6 बजे नौकरी करते हैं, 11 बजे आते हैं, तब भी आप खाने का समय निकाल लेते हैं, कपड़े बदलने का समय निकाल लेते हैं, सोने का समय निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? तो प्रार्थना क्यों नहीं करते हैं? बाइबल पढ़ने का समय क्यों नहीं निकालते हैं?
क्योंकि आप बाइबल पढ़ना इतना अहमियत नहीं समझते। उस समय जब फारिसीज थे, एक गुरु हुआ था पौलुस का, गमलियल, यरूशलेम में बहुत बड़ा बाइबल का विश्वविद्यालय था उस समय, बहुत बड़ा, जहां पर बहुत से फारिसीज पढ़ते थे, पढ़ाते थे, महायाजक थे। लेकिन यीशु मसीह ने अपने चेलों को चुनने के लिए वो विश्वविद्यालय नहीं गया, फारिसियों से नहीं कहा कि भाई बताओ मुझे तुम्हारा अच्छा शिक्षक कौन है, अच्छा बेटा कौन है जो पढ़ाई में मजबूत, उसको चाहिए। उसने मछुआरों को चुना। आमीन। पतरस पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसके पास बाइबल का ज्ञान था। पौलुस को पवित्र आत्मा ने बाइबल का प्रकाशन दिया। 7 साल, 3 साल अरब सागर में, 3 साल तर्तुस और 1 साल अंताकिया। 7 साल, सही कह रहा हूं मैं, गलत बोला मैं? अच्छा सही, धन्यवाद दिया जी, आपने मुझे सही ठहराया, धन्यवाद। आमीन। ज्ञान बाइबल का जरूरी है, बाइबल का प्रकाशन जरूरी है। इसलिए सुबह शाम जरूर बाइबल पढ़िए, ताकि हम शुद्धता की उस शक्ति को जान सकें। क्यों हमें शुद्ध रहना है, क्यों हमें पवित्र रहना है, क्यों एक पाप भी हमें हमारा जीवन खत्म कर सकता है, एक छोटा सा पाप भी हमारे जीवन को खत्म कर सकता है। लूसीफर, सबसे पहला पाप क्या था? घमंड, जो लूसीफर ने किया। मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ जानता हूं, ज्ञानी हूं, खूबसूरत हूं, ऐसा वर्शिप करता हूं कि परमेश्वर भी मुक्त हो जाता है। घमंड आया उसके अंदर और परमेश्वर ने उसे निकाल दिया। आमीन। घमंड परमेश्वर को पसंद नहीं है। किस चीज का घमंड है आपके पास? बुद्धि का? परमेश्वर देता है। आपकी शक्ति का? परमेश्वर देता है। आपके धन का? परमेश्वर देता है। किस बात का घमंड है हमें? एक पल लगता है। अय्यूब की पत्री में बताया कि 1 घंटे में खत्म हो गया। वो बहुत करोड़पति था, अब जो पति था उस जमाने का सबसे रईस था, परमेश्वर का भय उसके अंदर था, खड़ा था, 1 घंटे में खत्म हो गया। वो उसके बच्चे, उसकी दौलत, उसका शरीर, सब कुछ। वो क्यों टिक पाया? क्योंकि उसके अंदर पाप नहीं था। उसकी पत्नी ने उसके अंदर पाप डालने की कोशिश की। पत्नी ने कहा कि अरे अभी तो परमेश्वर की निंदा कर, तेरा सब कुछ छीन लिया है। क्या कहा अय्यूब ने? मैं कैसे निंदा करूं? उसका था, उसने दिया, उसने ले लिया। आमीन। हम कभी भी अपनी भलाई से ना चूकें। अगर आप भलाई करते रहेंगे, पाप आपके अंदर नहीं आएगा। अपने दुश्मनों से भी भलाई करिए, अपने दुश्मनों से भी भलाई करिए, नहीं कोई बात नहीं, क्योंकि अगर आप भलाई करेंगे तो पाप आपके अंदर नहीं आएगा। भलाई करना सीखिए, किसी भी हालत में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, आप भलाई करिए। जरूरी नहीं कि आप पैसे से ही भलाई कर सकते हैं, किसी के लिए प्रार्थना करके भलाई कर सकते हैं, कोई हॉस्पिटल में उसे देखने के लिए जा सकते हैं, भलाई कर सकते हैं, प्रेस अलॉट, उसके घर में जाके खाना बना सकते हैं, भलाई कर सकते हैं, कई तरीके अगर आप भलाई करना चाहें। क्यों भलाई करना जरूरी है? क्योंकि भलाई करने से पाप के दरवाजे आप अपने लिए बंद कर देते हैं कि नहीं, पाप नहीं आएगा, क्योंकि आप भलाई में हैं। आपके विचार में भलाई परमेश्वर को समझने का द्वार है।
Amen. इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी भलाई को देखें। हालेलुया। तो पाप जब भी करें आप हमेशा देखिए, बाइबल में कई बार ऐसा है, मैं आपको कई ऐसे उदाहरण दूंगा अभी, कि पाप करने के बाद आप डरते हैं और कठोर हो जाते हैं, पश्चाताप नहीं करते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति 4:7 पढ़िए। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। यदि तू भला करे, यानी कि कौन रोक रहा है पाप? क्यों आ रहा है? क्योंकि भला नहीं कर रहा वो। पाप क्यों आ रहा है? यदि तू भला करे तो क्या तू ग्रहण नहीं किया जाएगा? क्यों ग्रहण नहीं किया जा रहा है? क्योंकि वो भला नहीं कर रहा है। आमेन। याकूब की पत्री 4:19 कहता है, अगर आप भलाई करना जानते और नहीं करते तो पाप करते हैं। भलाई आप कर रहे हैं क्या? आपको पता है भलाई के लिए आपके अंदर विचार भी प्रभु डालता है। अगर कोई भाई बहन तकलीफ में है, आपके अंदर एक विचार आता है कि मैं उसकी हेल्प करूं। कौन डाल रहा है? परमेश्वर डाल रहा है। क्यों नहीं किसी और के लिए आपके मन में आया? उसी भाई के लिए क्यों आया? और आप उस भलाई का विचार अपने अंदर से निकाल देते हैं। यानी कि आपने किसके विरुद्ध काम किया? परमेश्वर के विरुद्ध। परमेश्वर आपके अंदर डाल रहा है। किस चीज ने मना किया? आपके घमंड ने, बुद्धि ने क्या काम किया कि आपके अंदर घमंड पैदा किया, अहम पैदा किया, ईगो पैदा किया। अरे नहीं यार, छोड़ो यार, कौन उसकी भलाई करेगा, कौन उसको हेल्प करेगा? नहीं छोड़ो। तो सबसे पहले आपने परमेश्वर के विरुद्ध काम किया, और परमेश्वर के विरुद्ध काम करने के बाद आपने घमंड से उस विचार को अपने अंदर से निकाला, तो घमंड पाप है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई तुझे 1 किलोमीटर चलने के लिए बोले तो तू 4 किलोमीटर चल उसके साथ बेगारी में। अगर कोई तुझसे मांगे तो दे दे, फिर मत मांग। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि दया, धन्य है वो जो दया करते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है। मत्ती 5:3-10 के बीच में आप है, धन्य है वो जो मन के दीन है, धन्य है जो दया करते हैं, जिनका हृदय दयालु है। प्रेज द लॉर्ड, धन्य है वो। इसलिए हमारे अंदर दया का हृदय होना चाहिए, तरस का हृदय होना चाहिए, कंपैशन हार्ट होना चाहिए किसी के लिए भी। क्यों? ताकि आपके अंदर स्वार्थ नहीं आए। देखिए, हर विचार के लिए परमेश्वर के पास एक कारण है। अगर आप भलाई करते रहेंगे पाप आपके अंदर नहीं आएगा। जहां भलाई करना आपने मना किया पाप आपके अंदर आ जाएगा। कैन के साथ ऐसे ही हुआ, यदि तू भला करे तो क्या तू ग्रहण ना किया जाएगा, पर यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर बैठा हुआ है। आप जहां भलाई करना बंद करेंगे पाप द्वार पर बैठा हुआ है। आमेन। अगर आप किसी की भलाई कर सकते हैं, परमेश्वर ने आपके मन में डाला है कि आप उस भाई उस बहन की भलाई करें, और आपकी बुद्धि ने उसे रोक लिया है, तो आप पाप कर रहे हैं, आप परमेश्वर के विरुद्ध जा रहे हैं। हालेलुया। नो, आप परमेश्वर का काम मत करिए। परमेश्वर ने कहा है दो दो। प्रेज द लॉर्ड।
परमेश्वर हम बाइबल कहती है हम अपने नहीं है। पहला करुतियन 6:19 पढ़िए बेटा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। आमीन। हम अपने नहीं है, ये मेरा शरीर मेरा नहीं है। याद करिए, कभी आपके पास भी समय था, कभी आप भी ऐसे समय से गुजरे हैं जब आपको जरूरत थी और आपने कहा परमेश्वर मुझे नौकरी मिल जाए, परमेश्वर मेरा धंधा बढ़े, परमेश्वर मुझे यहाँ से आशीष दे दे, और परमेश्वर ने किसी ना किसी के मन को दया में बदला है और उसने आपको दिया है। आमीन। अगर वो नहीं देता तो आपको मिलता? प्रेज़ द लॉर्ड। तो कैसे परमेश्वर ने पूरा किया? किसी के द्वारा आपकी इच्छाओं को परमेश्वर ने पूरा किया। हालेलुया। अगर उस भाई ने उस समय कठोर बन गया होता कि नहीं मैं नहीं दूंगा, तो काम परमेश्वर के विरुद्ध था। आज अगर परमेश्वर ने आपको इस काबिल बनाया है कि आपके पास है और परमेश्वर मन में डाल रहा है कि उस भाई उस बहन को दे दे और आप कठोरता दिखाकर बंद अपना रोके हुए हैं, तो आप परमेश्वर के विरुद्ध काम कर रहे हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर ना बने, यही तो पाप है। हम इसे पाप नहीं समझते, यही पाप है जो हमको परमेश्वर से दूर कर रहा है, जो हमारे घर में आजमाइशें लेकर आ रहा है, बीमारियां लेकर आ रहा है, संकट लेकर आ रहा है। उसका कारण क्या है? आपका जिद्दीपन, आपका अहम। क्योंकि परमेश्वर ने आपको कहा है आप वो नहीं कर रहे, जो परमेश्वर ने कहा है आप वो समझ नहीं रहे, वो कर नहीं रहे, और आपके घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, शुरू हो गई, अशांति शुरू हो गई, बीमारियां आ गई, रिश्तों में कड़वाहट आ गई, क्योंकि आप परमेश्वर को नहीं समझ रहे। हालेलुया। हमें प्रभु को समझना है, हमारा जीवन प्रभु का है, जो भी हमें मिला है वो प्रभु की ओर से मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए बाइबल कहती है अगर परमेश्वर ने आपके बच्चे को एजुकेशन देने में मदद की है तो आपको भी किसी के बच्चे को एजुकेट करना चाहिए। अगर आपको परमेश्वर ने बंगला या गाड़ी दी है, 4 बंगले दिए, 4 फ्लैट दिए हैं, और अगर वक्त आता तो आप भी किसी के रूम की दीवार बना दीजिए, आप भी किसी का रूम बना दीजिए। यस। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे परमेश्वर ने कुछ नहीं दिया, मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, तो मत दीजिए, तो मत करिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे परमेश्वर ने दिया है, तो अगर परमेश्वर ने दिया है तो आप परमेश्वर का कर्ज उतारिए। याद रखिए आप, ये वो पाप है जिसे हम समझते नहीं कि वो पाप है। जिस तरह परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया, उसी तरह परमेश्वर चाहता है कि वो आपके पड़ोसी को भी ब्लेस करे। आपके पड़ोसी के द्वारा परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया, अब आपके द्वारा परमेश्वर चाहता है उसको ब्लेस करें। तो आपने ब्लेसिंग तो ले ली, लेकिन देना नहीं चाह रहे हैं आप। लेते समय तो आपने धन्यवाद दिया कि मुझे ब्लेसिंग आपने दी, लेकिन अब जब आपका टाइम है, परमेश्वर कहता ब्लेस करो, तब आप कहते नहीं, ये परमेश्वर की आवाज नहीं हो सकती, ये परमेश्वर नहीं है, नहीं 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 नहीं, ये परमेश्वर थोड़ी बोलेगा मुझे, नहीं मैं क्यों करूंगा, मैं थोड़ी जानता नहीं उसको। नहीं, परमेश्वर की आवाज सुनना समझिए। प्रेज द लॉर्ड। अगर तू भला करे, इसलिए लिखा हुआ है रोमियो 8:28, रोमन्स 8:28 में लिखा हुआ है, जल्दी पढ़िए,
हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। आमीन। हर चीज जो भी आप कम आप कर रहे हैं, आप किसी की सेवा कर रहे हैं, वो चीज भलाई को उत्पन्न करती है। हर काम जो आप कर रहे हैं या जो भी आपके जीवन में हो रहा है वो भलाई को उत्पन्न करता है। किसके लिए? जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। याद रखिए, हालेलुया। बहुत जरूरी है कि आप किसी के लिए भी भलाई का, आप किसी के लिए आशीष का कारण बने। बाइबल कहती है कि हमें उसने आजाद इसीलिए किया है, हमें उसने श्रापों पापों से इसीलिए मुक्त किया है ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। याद रखिए, हमारा काम, हमारा जीवन दूसरों के लिए है, हमें दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, प्रभु आपके जीवन में तब काम करेगा और तब आप उसके काम को देख पाएंगे जब आप अपने जीवन में भलाई उत्पन्न करेंगे। स्वार्थ हमारे अंदर से हट जाए। नहीं, आज जो आपके पास है वो परमेश्वर ने दिया है, जो कल आने वाला है वो भी परमेश्वर दे रहा है। हालेलुया, हमेशा याद रखिए। एक तो ईमानदारी हमारे लिए बहुत जरूरी है। कैन ईमानदार नहीं था, इसलिए यीशु मसीह ने उससे कहा, परमेश्वर ने कहा, यदि तू भला करे तो क्या तू ग्रहण न किया जाएगा। आप सोचिए, अगर आप भला नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपको ग्रहण नहीं करेगा। आमीन। हमारी भलाई हमको ग्रहण योग्य बनाती है, हमारी भलाई। गेहूं का दाना जब जमीन में बोया जाता है और जब वो मरकर फल उत्पन्न करता है तो ही उसकी कीमत है। प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो गेहूं का दाना आप रखिए रहिए अपने हाथों में, कोई कीमत नहीं। कब है? जब वो मरता है, जब वो जमीन में बोया जाता है और वो मरता है, अपना शरीर तोड़ता है वो, और उसके शरीर में से अंदर का जीवन निकलता है और वो अंदर का जीवन फल लेकर आता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप फलवंत हों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से फल निकले, तो आपको तोड़ना पड़ेगा अपने आप को, अपने आप को तोड़ना पड़ेगा। और वो फल जो आपके जीवन से निकलेगा मेरे भाई मेरी बहन, वो अनंत काल का होगा, अनंत काल का। उसको कोई रोक नहीं पाएगा, रोक नहीं पाएगा उसको। इसलिए वो कहता है कि यदि तू भला करे तो क्या तू ग्रहण ना किया जाएगा, पर यदि भला ना करे तो पाप द्वार पर डुबका बैठा है और वो तेरी लालसा करता है, परंतु तुझे उस पर प्रभुता करनी है। आप प्रभुता कैसे करेंगे पाप पर? भलाई करके, भलाई करके आप प्रभुता करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा ना कि आपका दुश्मन अगर आपसे अच्छा व्यवहार ना करे तो उसके सिर में भलाई करिए, उसको भलाई करिए। वो आपसे गद्दारी कर रहा है, वो आपको लूट रहा है, वो आपको मार रहा है। क्यों कहा यीशु मसीह ने कि कोई अगर एक गाल पर थप्पड़ मारे दूसरा गाल आगे कर दो? प्रेज द लॉर्ड। ये नहीं कि आप में ताकत है ताकि दूसरा गाल आगे करने से जो सामने वाला दुश्मन है उसके मन को परमेश्वर बदलना चाहता है। आमीन। आपके मन को बदलना चाहता है परमेश्वर। आपके शरीर में बीमारी कौन लाता है आपको पता है? शैतान।
Amen? लेकिन वचन कहता है कि आप हैं, हमें हर समय में हर क्षण में धन्यवाद देना है. Praise the Lord. जब आप बीमारी में, अपने संकट में, अपनी परीक्षाओं में परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर धन्यवाद. वो लाजर कोड़ी के बारे में सुना आप? लाजर कोड़ी ने कभी निंदा नहीं की. उसके दोस्त उसे उस अमीर आदमी की चौखट पर छोड़ जाते थे, कुत्ते उसके घावों को चाटते थे, उसको जो मिलता था फेंका हुआ वो खा लेता था, अपना जीवन बिताता था. और बाइबल कहती है कि वो इब्राहिम की गोद में था. आमीन. उसने क्या किया जिंदगी भर, क्या किया उसने काम? उसका कर्म था सिर्फ धन्यवाद देना. उसने सिर्फ धन्यवाद दिया है. आप सोचिए, सोचिए. आप कहेंगे उसके पास क्या था पास्टर? कोड़ी था, पैसा नहीं था, डॉक्टर के पास जाने के लिए नहीं था, खाने के लिए नहीं था. वो किस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दे रहा था? उस जीवन के लिए, उस आशीष के लिए. क्योंकि उसका जानता था कि मेरा धन्यवाद ही मुझे परमेश्वर से मिलवाएगा. आपका धन्यवाद में वो शक्ति है. अगर आप संकट में, आप बीमारी में उसका धन्यवाद देंगे ना, बीमारी टूट जाएगी, बीमारी खत्म हो जाएगी, बीमारी रह ही नहीं पाएगी आपके अंदर. आप नहीं जानते, धन्यवाद में वो शक्ति है. आप मान लीजिए भूखे हैं, आपने दो दिन से खाना नहीं खाया, हमारा पिता सुनता है? बहरा तो नहीं है, गूंगा तो नहीं है, उसके हाथ छोटे तो नहीं है? और आप भूखे पेट अपने पिता से कहें कि धन्यवाद पिता, दो दिन से मैंने खाना नहीं खाया, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि तुम उससे प्यार करता है. अब सोचिए, वो पिता सर्वशक्तिमान क्या रह पाएगा? आपका बेटा मान लीजिए, आपके बेटे को आपने कुछ सजा दी और दो दिन से रूम में बंद कर दिया, और ना पानी दे रहे ना खाना दे रहे, दो दिन से अपने बेटे को आपने कुछ नहीं दिया, और तीसरे दिन जब आप देखने के लिए गए और पिता बोल, बेटा बोले कि पापा धन्यवाद, आप मेरे पापा हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ, आप उसे बहुत प्यार करते हैं पापा, मैं धन्यवाद देता हूँ, आपका दिल पसीज जाएगा. आमीन. आप सोचिए, आप खुद कहेंगे, अरे यार मैंने इसको दो दिन से खाना नहीं दिया यार, और ये मेरा बेटा मुझे धन्यवाद दे रहा है. हम अपने बंधन क्यों बांध लेते हैं? क्योंकि हम संकट में, सताव में उसकी निंदा शुरू कर देते हैं, उसको जांचने लगते हैं, उसका न्याय करते हैं. क्या हम चर्च जाते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, इतने सालों से क्या दिया तूने, दशांश भी देते हैं हम तुझे, तूने क्या दिया हमको? Praise the Lord. क्यों बाइबल में लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए हर बात अच्छाई ही उत्पन्न करती है, भलाई ही उत्पन्न करती है. अय्यूब को ये बात पता थी. अय्यूब ने क्या बोला 23:10 में? अय्यूब जोब 23:10, ध्यान से सुनिए आप. परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं, और जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा. आमीन. जब मुझे वो चेक कर लेगा. इतना कॉन्फिडेंस है उसको अय्यूब को अपने ऊपर, मैं जानता हूं जब वो मुझे चेक कर लेगा तो मैं सोने के समान निकलूंगा. Praise the Lord. क्योंकि वो जानता है उसने हमेशा भलाई की है. हालेलुया. उसके दोस्तों ने उसके अंदर पाप डालने की कोशिश की. अय्यूब के अंदर पाप नहीं था. उसके दोस्त आए, 7 दिन तक उससे बात ही नहीं कर पाए, उसे देख रहे हैं.
अरे ये क्या हालत हो गई तेरी, अरे तेरा शरीर कोल हो गया है, तेरे बच्चे चले गए, तेरी मवेशी चले गए, सब कुछ चला गया, तेरी बीवी चली गई, ये क्या हो गया तुझे। फिर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कुछ ना कुछ जरूर पाप किया इसने। वो तीनों दोस्त अय्यूब के अंदर पाप बो रहे थे कि तूने कुछ गलत किया है, इसलिए परमेश्वर तेरे विरुद्ध हो गया है। अय्यूब को उसके दोस्त पाप दे रहे थे, लेकिन उसके अंदर पाप नहीं था। उसने नहीं आए, वो बोलता है कि जब वो आएगा ना तो मुझे सोने की तरह पाएगा। इस समय सफर कौन कर रहा है? उसके दोस्त के अय्यूब, मैं अय्यूब सफर कर रहा है। कौन उसके शरीर में है, उसकी औलाद चली गई, इतना इससे बड़ा दुख और क्या होगा। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पाप नहीं है। आपका पाप आपके अंदर क्रोध लेकर आता है, आपका पाप आपके अंदर जो पाप है वो आपके अंदर घमंड लेकर आता है, आपके अंदर जो पाप है ना वो न्याय करता है। अरे अच्छा पास्टर ने ये किया है, ओके। मैं पास्टर को बताता हूं कि आप बहुत पवित्र बनते हैं, मैंने आपकी गलती पकड़ ली। पास्टर ये क्यों किया आपने? इमीडिएट आपके अंदर का जो पाप है ना वो आपको न्याय करने पर चौकस करता है, आप भूल जाते हैं। हालेलुया। हो सकता है पास्टर भी गलती कर सकता है, पास्टर इंसान है, गलती कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। मुझसे कई बार गलतियां होती हैं, लेकिन इमीडिएट क्षमा मांगिए, तब वो पाप अंदर नहीं रहेगा। इमीडिएट जैसे ही आपको एहसास हो सॉरी पास्टर पापा परमेश्वर, नहीं पाप मेरे अंदर नहीं रहना चाहिए, नहीं मेरे अंदर पाप नहीं रहना चाहिए, चाहे मेरे अंदर मुझे कुछ दौलत मिले या ना मिले, कुछ मिले ना मिले, मेरे अंदर पाप ना रहे बस। वो आपको चेक करना है। वही कैन को परमेश्वर बोल रहा है कि तू पाप, तू भला नहीं, अगर तू भला करेगा तो तू ग्रहण किया जाएगा। तू भला नहीं कर रहा है, तू भलाई नहीं कर रहा है। जितना आप भलाई करेंगे, जितना भी, सिर्फ पैसों से भलाई नहीं होती मेरे भाई, मैं सच कह रहा हूं। आप लोग गलत समझते हैं, कोई प्रॉब्लम है उसके घर जाकर उसका उसके संग मान लीजिए खाना बनाना है तो खाना में हेल्प कर दीजिए, वही भलाई है, प्रार्थना कर दीजिए उसके लिए, भलाई है। जितना आप भलाई करेंगे उतना ही आप अपने आप को मजबूत करेंगे कि पाप आपके अंदर नहीं जाए, किसी की भी। एक सही पासवान कौन होता है? एक सही परमेश्वर का नबी कौन होता है? जो सिर्फ दूसरों के लिए सोचता है, जो दूसरों के लिए सेवा के लिए प्रार्थना में रहता है, अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। इसलिए सच्चे नबी को परमेश्वर पलकों पर उठाता है। हालेलुया। अगर आप दूसरों के लिए परमेश्वर के लिए जिंदगी जिएंगे, परमेश्वर आपको कभी दुख नहीं होने देगा, कभी कमी नहीं होने देगा परमेश्वर, कभी नहीं, कभी भी नहीं। इसलिए हमें अपने अंदर जो पाप है उसको निकालना है, और वो एक ही काम है, भलाई करना। जितनी आप भलाई कर सकते हैं उतनी भलाई करिए, पाप आपके अंदर नहीं रहेगा। याद करिए, भलाई करने से कौन रोकेगा? आपका पाप। अगर आपके अंदर भलाई करने की भावना आ रही है तो परमेश्वर डाल रहा है, और उस भलाई को रोक कौन रहा है?
आपके अंदर का पाप। अगर आप भलाई करने से रोक रहे हैं अपने आप को, तो समझिए आपके अंदर पाप है। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, हम सब समझ रहे हैं। इस अंतिम समय में मेरी प्रार्थना है कि मेरा कलीसिया का एक एक भाई पाप से मुक्त हो। इसलिए हमें पाप से नफरत करनी है, पाप को अपने अंदर रहने नहीं देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। आज का वचन आपने ग्रहण किया? हालेलुया। अपने अंदर से पाप को निकालिए, भलाई करिए, एक दूसरे के लिए भलाई में अपने जीवन को लगाइए। कभी भी आपके अंदर पाप ठहर नहीं पाएगा, निकल जाएगा। आमीन। बोलिए यीशु मसीह की। यीशु मसीह की। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया।